मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बजट प्रस्तुत कर रहे हैं, उसको लेकर यहाँ पर बड़ी सी LED जो है नगर निगम में लगाई गई है। इसी के साथ साथ यहाँ पर जो है पूरा बजट जो है तमाम जो लोग हैं यहाँ पर देख रहे हैं। और इसी बजट को लेकर जोधपुर को क्या सौगातें मिली है, किस तरह की सौगातें मिली है, उसको लेकर जो है हम यहाँ पर बात करेंगे। यहाँ पर बहुत से और भी लोग हैं, उनसे भी हम बात करेंगे कि इस बजट को लेकर जो है क्या क्या जोधपुर को सौगातें मिली है और क्या इस जोधपुर शहर को मिल रहा है। हमारे साथ सर, किस तरह की आज बजट को आप देखते हैं, क्या जोधपुर खास है? आज जोधपुर का जो बजट पेश किया गया मुख्यमंत्री जी द्वारा, सबसे जो अहम बात रही हमारे नगर निगम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जावे तो 30,000 सफाई कर्मचारियों की नियुक्ति की घोषणा की गई है। साथ ही वाल्मीकि समाज के लिए, विकास के लिए 1,000 करोड़ रुपये की घोषणा की गई है। SC ST के लिए 500 करोड़ रुपये की अलग घोषणा की गई है। इसी प्रकार युवाओं के विकास के लिए 500 करोड़ रुपए की घोषणा की गई है। पहले 50 यूनिट बिजली फ्री थी, अब जो है 100 यूनिट बिजली फ्री कर दी गई है। फूड गारंटी योजना के तहत 1 किलो घी, तेल, ये सब जो मिलेगा उसमें, उसके लिए मुख्यमंत्री जी ने विशेष योजना में फ्री घोषणा की है। साथ ही साथ जोधपुर को मेडिकल यूनिवर्सिटी फ्री दी है। साथ के साथ में आज की तारीख में जितनी भी योजनाएँ जोधपुर शहर में जो एप्लीकेबल थी, सबसे बड़ा मामला था कि जोधपुर में मेडिकल यूनिवर्सिटी नहीं थी, एक वो कमी थी। आज ITI है, मेडिकल कॉलेज है, सब कुछ है, लेकिन ये नहीं था। एक अंतिम मील का पत्थर भी अशोक गहलोत जी ने पूरा कर दिया कि मेडिकल यूनिवर्सिटी की जोधपुर के अंदर घोषणा कर दी है। साथ ही युवाओं के लिए जो घोषणा की है उससे निश्चित रूप से युवाओं को लाभ मिलेगा। वृद्धों के लिए 1,000 रुपये की पेंशन घोषणा की है। निश्चित रूप से ये मील का पत्थर साबित होगा और आने वाले समय में सभी को इसका लाभ मिलेगा। सर, कहीं ना कहीं एक जोधपुर की जनता को ये भी आस थी कि ट्रैफिक के बढ़ते पॉइंट व्यू को लेकर यहाँ पर जो है कुछ अलग सौगात, जैसे कि जयपुर में मेट्रो है, जोधपुर में मेट्रो को लेकर कई आस कर रहे थे जोधपुर, तो क्या ये उम्मीद? ये प्रयास था कि जोधपुर, जयपुर और कोटा के अंदर मेट्रो का जो है बड़ा किया जावे। और वैसे मेट्रो के लिए जो है पूर्व, अभी जो वर्तमान में जो ट्रैक है हमारे पास में, वो ट्रैक अभी सफिशियंट है। और अगर नगर निगम या राजस्थान सरकार चाहे, और ख़ास तौर से जो घोषणा हुई है कि 3 डब्बों की, मतलब 300 पैसेंजर्स के लिए मेट्रो आज भी नगर निगम चलाना चाहे तो चला सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। और हमारे साथ और भी है सर, आज जो बजट प्रस्तुत हुआ है उसको लेकर आप किस व्यू से देखते हैं कि बजट किस तरीके से रहा? देखिए, आज जो राजस्थान का बजट अशोक गहलोत जी ने पेश किया है, सबसे बड़ा तो आम लोगों को पिछले 2 वर्षों से जो कोरोना में आर्थिक संकटों से झुलस रहा था उसमें राहत देने के लिए उन्होंने 50 यूनिट की जगह 100 यूनिट की घोषणा की है। ये शहरी क्षेत्र, ग्रामीण क्षेत्र में तो पहले भी काफ़ी फायदा था, ख़ास तौर से शहरी क्षेत्रों में बहुत बड़ा सार्थक होगा। और मेरा ऐसा मानना है कि 90% जो मध्यम और गरीब वर्कर के लोग हैं उनको ये बहुत बड़ी सौगात है। दूसरा, नगर निगम के अंदर जो सफाई कर्मचारी को लेके आए दिन जनता में सफाई को चर्चा रहती है, आज उन्होंने 30,000 कर्मचारियों की घोषणा की है कि राजस्थान पूरे में जहाँ जहाँ सफाई, क्योंकि सफाई कर्मचारियों की भक्ति शहरी क्षेत्र में ही होती है और हम लोग शहरी क्षेत्र के लोग हैं, इससे इनका सरकार की आर्थिक जो सहयोग निगम को मिलेगा। क्योंकि अब आपको पता होगा कि पिछली बार में बहुत ऐतिहासिक निर्णय निगम कर्मचारियों के सैलरी को लेकर राजस्थान सरकार ने लिया है कि इनकी सैलरी का भुगतान अब सरकार करेगी। तो अब निगम को किसी प्रकार के कर्मचारी की संख्या बढ़ाने में जो दिक्कत आती थी कि हम तनख्वाह कहाँ से देंगे, पहले वाले को ही नहीं दे पा रहे हैं, दोबारा कहाँ देंगे, तो एक तो उन्होंने ये कर दी कि हम पैसा देंगे। और आज जो 30,000 जो लोगों के का है, तो मैं समझता हूँ आने वाले समय में सफाई को लेकर बहुत बड़ा सहयोग मिलेगा। यूनिवर्सिटी का सौगात दिया उन्होंने, आपके पेट्रोलियम जो गैस थे, प्रधानमंत्री ने पहले कहा भाई उज्ज्वला योजना में टंकियां दी जाएगी, टंकियां तो दे दी पर गैस सिलेंडर के भाव इतने ज़्यादा थे कि वो लोग भरा नहीं पा रहे थे और टंकियां कुछ लोगों ने तो बेच भी दी लोहे के भाव में। अशोक गहलोत जी ने ये काम किया कि उनको 500 रुपये के अंदर वो सब सब्सिडी देते हुए उनको सुविधा दी गई, क्योंकि अब शहरी क्षेत्र में वो लकड़ी काट के भी गरीब काम चला नहीं पा रहा था, तो अब 500 रुपये की उपयोगिता से बहुत बड़ा सार्थक होगा। एक अन्नपूर्णा योजना का उन्होंने बहुत अच्छा सौगात दिया है जिसमें 1 किलो तेल है, 2 किलो दाल है, चना है, इस तरह का जो मसाले हैं ये सब निःशुल्क दिया है। ये गवर्नमेंट जो आई है, जो आज बजट पेश किया है, ये आम लोगों के लिए और विशेष तौर से मध्यम और गरीब वर्गों के लिए बहुत बड़ा सौगात होगा। ईडब्ल्यूएस वाले को भी
चिरंजीवी योजना के अंदर इन्होंने निःशुल्क का प्रावधान रखा। बिल्कुल, मैं शॉर्ट में आपका व्यू लेना चाहूँगा छोटे से, जो आज बजट प्रस्तुत हुआ युवाओं को लेकर खास फोकस रखा गया, क्या कहना? राजस्थान सरकार का जो ये बजट है ये बहुत ऐतिहासिक बजट आया है, ये आने वाले भविष्य के अंदर भूला नहीं जाएगा, जिसमें युवाओं को भी लिया गया है, महिलाओं को लिया गया है, बुजुर्गों को लिया गया है। बुजुर्गों की पेंशन इसमें 75 वर्ष से ऊपर के लोगों की 1,000 रुपये बढ़ाई गई है। युवाओं के लिए EWS का फ़ायदा दिया गया जिसमें चिरंजीवी का लाभ मिलेगा। महिलाओं को आरक्षण मिला हुआ है बसों के अंदर 50% का। तो मैं ये समझता हूँ कि ऐतिहासिक बजट है, पहली बार ऐसा बजट पेश हुआ है जो आज तक फ्यूचर में नहीं हुआ है। बिल्कुल ऐतिहासिक बजट जो है बताया जा रहा है। हम महापौर से भी बात करेंगे, बाहर महापौर भी है। फिलहाल जो अब तक जो व्यू मिले हैं, कहीं ना कहीं जोधपुर के साथ साथ युवाओं के लिए और पूरे राजस्थान के लिए ऐतिहासिक बजट बताया जा रहा है। पंजाब केसरी टीवी के लिए जोधपुर से जितेंद्र टूटी।